यूपी के गोंडा जिले में दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस की गतिविधियां शामिल होने पर एटीएस लगातार इस मामले को लेकर छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी पिछले एक महीने से जारी है, जहां एटीएस की टीम ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया और कई संदिग्धों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। इस मामले से जुड़े एटीएस को जो भी सुराग मिल रहे हैं इसकी जाँच की जा रही है। टीम ने सद्दाम शेख और मोहम्मद रईस को गिरफ्तार किया है। इस मामले में गिरफ्तार हुए मोहम्मद मुकीम की मां शाहिदा बताती हैं कि मुकीम पुणे से आकर खुद लखनऊ में हाजिर हो जाता है। वो कहता है, जब मेरी कोई गलती नहीं तो मैं हाजिर हो जाता हूं। लड़का बोला, जब मेरा कसूर नहीं है तो हम हाजिर हो जाएंगे। हाँ। तो दोस्ती यारी में था, मुझे क्या पता, बस वो लड़का पुणे से आके लखनऊ में हाजिर हो गया। आगे बताती हैं कि दोस्ती यारी में मुकीम फंस गया। मोहल्ले में रहने की वजह से बचपन से ही मोहम्मद रईस से दोस्ती थी। मुकीम 10वीं पास है, पैसे की वजह से उसे पढ़ा नहीं पाए थे। वो पुणे में रहकर चूड़ी का काम करता था। लड़का फंस गया है, मुझे तो कुछ जानकारी नहीं, पुणे में काम करता है चूड़ी का, कभी कभी 5,000 भी देता था, मुझे तो सीख रहा था। अच्छा, कितनी पढ़ाई किए हुए है और किससे उनसे दोस्ती हुई, क्या क्या बात होती थी? वो तो मोहल्ला में अपना रहता है, इसीलिए हो गया है दोस्ती। अच्छा, कितना काम करता था, कितना पैसा देता था वहाँ पे? कभी कभी 5,000 भेज देता था। तो आपके घर में उनके अलावा कौन कौन रहता है? आपके कौन कौन रहता है? बहू और जी। हाँ, और बेटे क्या करते हैं? सब कोई डिस्को पे काम करता है, कोई गाड़ी चलाता है। अच्छा, यहाँ पे पुलिस कब आई थी, जो आप बता दी कि दिन पुलिस आई थी, कुछ बात हुआ था? मकीन जब नहीं हाजिर हुआ था उसके पहले आया था, और उसके बाद में मकीन खुद हाजिर हो गया था। क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं कि क्या कार्रवाई हो? अब देश में हम लोग रहते हैं सर, हम देश के गुण गाएंगे, जो गलत होगा वो आप लोग समझिएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।